हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्या मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम समाकलन में प्रश्नावली 7.1 के जितने भी क्वेश्चंस हैं उस पर डिस्कस करेंगे। और ये समाकलन की दूसरी वीडियो है, फर्स्ट वीडियो को आप आई टैब पर क्लिक करके देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है समाकलन का, और फार्मूले पर भी मैंने डिस्कस किया हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चन को भी समझाया हुआ है, और वो फर्स्ट वीडियो आप सभी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 7.1 के क्वेश्चन पर। और देखिए, इसमें जो भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगा, इसमें अगर आपको कहीं से किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है या फिर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो वो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हैं तो वहाँ से भी आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। वहाँ पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप का दो लिंक दिखाई देगा, जिसमें से फर्स्ट लिंक जो है वो बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए है। तो यदि आप बीएससी के स्टूडेंट्स हैं तो आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं और आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। लेकिन यदि आप क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं तो आप दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए और वहाँ से आप अपने डाउट्स को क्लियर कर लीजिए। ओके, तो चलिए हम प्रश्नावली 7.1 के जितने भी क्वेश्चंस हैं उस पर हम डिस्कस करते हैं। और जो भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा वो सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से है। तो अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो आप सभी क्वेश्चन को आप मिलाते चलिएगा, राइट। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊँगा, इसमें आपको जो फार्मूला है वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ओके, तो फार्मूले के लिए जैसा कि मैंने आपको कहा कि आप फर्स्ट वीडियो को आई टैब पर क्लिक करके देख लीजिए, सारा फार्मूला वहाँ पर मैंने आपको बता रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपको साइन 2x का इंटीग्रेशन करना है, राइट। तो हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे कैसे, जैसा कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी समझाया हुआ था, राइट। ये हो जाएगा साइन 2x का इंटीग्रेशन, देखिए हम किस तरीके से कर रहे हैं। तो मैंने आपको फार्मूला क्या बताया था कि इंटीग्रल साइन एक्स डी एक्स, राइट। साइन एक्स का इंटीग्रेशन जैसा कि आपको पता है ये होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी, एक हम यहाँ पे कॉन्स्टेंट एड करेंगे, राइट। लेकिन अगर ऐसा हो, मैं फार्मूला भी साथ साथ आपको बताते चल रहा हूँ ताकि आपको कहीं से कोई समस्या भी ना हो, राइट। लेकिन अगर ऐसा हो साइन ए एक्स प्लस बी और इसको हमें इंटीग्रेट करना है तो आप कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। साइन का हो जाएगा सीधे सीधे माइनस कॉस, ये तो आपको पता है। और देखिए ये जो है ना ए एक्स प्लस बी, ये सीधा सीधा ऐसे ही रहेगा, राइट। पर जो एक्स का गुणांक है ना ये नीचे आ जाएगा, तो ये सीधे सीधे नीचे आ गया और एक हम कॉन्स्टेंट यहाँ पर एड कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर साइन 2x है तो साइन 2x का आपको पता है ये हो जाएगा माइनस कॉस 2x, और एक्स का जो गुणांक है वो नीचे आ जाएगा, राइट, और एक कॉन्स्टेंट हम एड कर देंगे। तो पहले तो कुछ क्वेश्चन में आपको मैं बेसिक बताऊँगा, उसके बाद जो है कि बहुत जल्दीबाजी से आप जो है कि इंटीग्रेट करने लगेंगे फंक्शन को। पहले मैं जो है कि सिंपल क्वेश्चन लेके चलता हूँ। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 है, जैसा कि आप देख सकते हैं कॉस 3x है, राइट। तो इसको हम इंटीग्रेशन यहीं पर कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस का इंटीग्रेशन आपको पता है ये होता है साइन, राइट, 3x हो जाएगा। और एक्स का जो गुणांक है वो मुझे नीचे लिखना है, ये कुछ इस तरीके से हो गया, राइट। जैसे साइन का है कॉस, वैसे साइन का जैसे कि ये फार्मूला आपने देखा, राइट, कॉस ए एक्स प्लस बी अगर होता है तो इसका इंटीग्रेशन मैं यहाँ पे फार्मूला लिख दे रहा हूँ, ये होता है साइन ए एक्स प्लस बी बाई ए इंटू सॉरी ए प्लस सी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरीके से है, इंटीग्रल e टू दी पावर 2x, इसको इंटीग्रेट करना है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, आपको पता है e टू दी पावर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो e टू दी पावर x होता है। ओके, और ऐसा है तो ये e टू दी पावर 2x है तो e टू दी पावर 2x हो गया, लेकिन जो गुणांक है ना उसे हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये है, ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर डी एक्स, राइट। अब इसको हम इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो जैसा कि मैंने आपको फार्मूला बताया था, राइट, ए एक्स प्लस बी होल टू द पावर एन डी एक्स, अगर ऐसा हो तो इसका इंटीग्रेशन होता है ए एक्स प्लस बी पे पावर जो है वो एक एड हो जाएगा, और यही चीज़ यहाँ पर नीचे लिखाएगा और इसमें हमें कॉन्स्टेंट एड कर देंगे और एक्स का जो गुणांक है वो हम यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई में। तो सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर होगा, राइट, यहाँ पर हो जाएगा ए एक्स प्लस बी
ये एड हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, और नीचे भी हम थ्री लिखेंगे। जो गुणांक है वो मुझे नीचे लिखना है और एक मुझे कांस्टेंट एड करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर फाइव जैसा कि कुछ इस तरीके का है, राइट। इंटीग्रल क्वेश्चन नंबर फाइव है, साइन टू एक्स माइनस फोर ई टू दी पावर, क्या है, थ्री एक्स है, हाँ थ्री एक्स है, ई टू दी पावर थ्री एक्स, राइट, ये है, और इसको हमें इंटीग्रेशन करना है। तो चलिए हम यहीं पर कर दे रहे हैं, राइट। अब फास्ट वर्क करिए इस, राइट, साइन का आपको पता है माइनस कॉस टू एक्स, और एक्स का जो गुणांक है वो आपको नीचे लिखना है। फोर हो जाएगा कॉन्स्ट, ये तो कॉन्स्टेंट है, ई टू दी पावर थ्री एक्स का, ये ई टू दी पावर थ्री एक्स हो जाएगा, और थ्री एक्स जो है वो नीचे आ जाएगा, मतलब कि एक्स का जो गुणांक है, मतलब एक्स का जो गुणांक है वो नीचे आ जाएगा। ओके, तो कुछ इस तरीके से मैंने पांच क्वेश्चन आपको बताया। चलिए अब धीरे धीरे हम और आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ओके, वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के पास ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि आपको धीरे धीरे पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन दिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम सिक्स पर डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, इंटीग्रल फोर ई टू दी पावर थ्री एक्स प्लस वन, फोर ई टू दी पावर थ्री एक्स प्लस वन डी एक्स, ये सब सिंपल क्वेश्चन है। फर्स्ट वीडियो आई होप कि अगर आपने देखा होगा तो उसमें मैंने बहुत सारा, मतलब डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन लिया हुआ है। तो अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखा हुआ है तो प्रश्नावली 7.1 के जितने भी क्वेश्चन हैं आप उससे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। लेकिन फिर भी हमने ये स्टार्ट किया हुआ है तो भाई एक एक क्वेश्चन को मैं यहाँ पर बताऊँगा। चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखिए इसका इंटीग्रेशन, पहले तो आप देखिए ऐसे कॉन्स्टेंट है तो आप इसको बाहर कर दीजिए, राइट, ई टू दी पावर थ्री एक्स डी एक्स कर दीजिए, और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट करना सीखिए सीधे, ये हो जाएगा कॉन्स्टेंट है, मल्टीप्लाई करेंगे ओनली डी एक्स हो गया, राइट। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, फोर ई टू दी पावर थ्री एक्स का ये हो जाएगा ई टू दी पावर थ्री एक्स, राइट, और एक्स का जो गुणांक है वो मुझे नीचे लिखना है, और कॉन्स्टेंट का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है वन, होता है एक्स, राइट, डी एक्स लगा हुआ है तो एक्स, डी वाई होगा तो वाई, राइट, और ये हो गया कुछ इस तरीके से। चलिए ये सोल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर सेवन पर अब हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन आपका कुछ इस तरीके से है, ग्रीन से तो हो सकता है दिखाई ना पड़े। चलिए इंटीग्रल एक्स स्क्वायर वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, राइट, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा। पहले तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, राइट, ये चीज़ हमारा कैंसिल कर जाएगा, लेकिन जब आप इसमें मल्टीप्लाई करिएगा तो कैंसिल होगा, राइट। तो सीधे मैं यहाँ पे इसको काट नहीं रहा हूँ, राइट, मैं आपको समझा रहा हूँ। तो इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका वन बच जाएगा, वन मिनट, ये आपका क्या बच जाएगा, वन, ये हो जाएगा आपका डी एक्स। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ, एक्स पे पावर थ्री बाई थ्री, और यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई करिएगा तो हो जाएगा, मतलब कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन डी एक्स है तो एक्स हो जाएगा, राइट, और एक मुझे कांस्टेंट ऐड कर देना है, राइट। चलिए क्यों ऐड करते हैं, इसका भी मैं जिक्र किया हुआ है फर्स्ट वीडियो में, राइट। चलिए हम अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर एट पर। क्वेश्चन नंबर एट, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, ऐसा दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो ए तो रहेगा ही रहेगा, राइट, तो आप चाहे तो इस चीज़ को ऐसा भी लिख सकते हैं, ए को आप बाहर कर दीजिए, राइट, एक्स स्क्वायर डी एक्स हो गया, बी को आप बाहर कर दीजिए, एक्स डी एक्स हो गया, और ये कांस्टेंट था, मैं ये सारा मिटा दे रहा हूँ, तो ये कुछ ऐसा हो गया, राइट, सी डी एक्स। चलिए इंटीग्रेशन कर दीजिए, अब एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स का क्यू बाई थ्री, बी एक्स का स्क्वायर बाई टू, सी एक्स, और मुझे एक कांस्टेंट ऐड करना है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नाइन पर हम आते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर नाइन है, टू एक्स स्क्वायर, आप तो कर ही सकते हैं, टू एक्स स्क्वायर प्लस, आप देख के एकदम फास्ट इंटीग्रेशन करिए,
राइट। अब आप तरीका जान गए हैं तो आप फास्ट वर्क करिए। देखिए सीधे सीधे ये हो जाएगा 2x³/3 / 3 e^x का e^x c। चलिए 10 वाले क्वेश्चन पर हम आते हैं। हाँ 10 वाला थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। स्क्वायर अंडर रूट ऑफ x माइनस दे रखा है 1/√x का स्क्वायर dx। ओके अब देखिए हम क्या करेंगे, पहले तो यहाँ पे आप इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे। राइट तोड़ दीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आपको पता है इसका जब स्क्वायर होगा ना, राइट इसका जब स्क्वायर होगा तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। राइट तो आज क्या बच गया, एक्स माइनस प्लस ए का स्क्वायर फिर होता है बी का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा आपका 1/x। फिर क्या होगा, माइनस 2ab, तो माइनस 2 के साथ ये दोनों जब मल्टीप्लाई होगा तो दोनों कैंसिल कर जाएगा, तो ये आपका आ गया ओनली dx। अब आप इंटीग्रेशन कर दीजिए सीधा सीधा। x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x²/2 1/x, ये हो जाएगा आपका log x माइनस ये क्या आ जाएगा 2x और एक कांस्टेंट ऐड करना है। ओके तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो 9 क्वेश्चन थे, मेरा मतलब कि जो 10 क्वेश्चन जो भी हमने आपको समझाया ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम आगे की क्वेश्चन पर डिस्कस कर लेते हैं। कहीं से आपको कोई भी दिक्कत आती है इन सभी क्वेश्चंस को समझने में, या फिर यदि आपके पास कोई और क्वेश्चन भी है राइट इंटीग्रेशन से रिलेटेड, जो मैं चैप्टर स्टार्ट किया हूँ उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप हमारे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। जैसा कि व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, और वहाँ से आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं और कहेंगे तो मैं जो अगली वीडियो जो आएगी उसमें हम पहले आप ही क्या क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कुछ इस तरीके का है, x² + 5x² - 4x² dx। चलिए तो हम ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे राइट इसे हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट समझिएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले तो हम अलग अलग करेंगे, इतना डिवाइडेड बाई इतना करेंगे, यानी x³/x² करना है, फिर उसके बाद 5x² / x² करना है, 4x² करना है। राइट जो सिंप्लीफाई हो रहा आगे सिंप्लीफाई कर देंगे, ये कट गया ऊपर एक x बच जाएगा, प्लस ये पूरा कट गया तो 5 बच गया, और ये हो जाएगा 5x²-2dx। ओके अब देखिए इंटीग्रेशन डायरेक्ट करिए, ये हो जाएगा x²/2, ये हो जाएगा 5x, और ये हो जाएगा क्या 4x पे, इसमें दो एक हम ऐड करेंगे तो वही चीज़ मुझे नीचे भी लिखना है, आपको पता है ना एक कांस्टेंट भी मैं ऐड करूंगा तो डायरेक्ट ये तो आ गया राइट, और माइनस में 1 होगा तो माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस 1 होगा तो 4x आप लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, क्योंकि पावर जब होगा ना तो ये देगा माइनस 1, यानी x पे पावर माइनस 1 आ गया क्या 1/x। ओके तो चलिए अब हम और आगे। ओके तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। राइट क्वेश्चन नंबर 12 है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन ये भी है। नाउ इंटीग्रल x³+3x + 4√x। ओके तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम अलग अलग करेंगे, जैसा कि इससे पहले वाला जो क्वेश्चन बताया था सेम टू सेम उसी के जैसा है। मैं इसे कुछ इस तरह से लिख ले रहा हूँ राइट, ये हो जाएगा 3x/√x और ये हो जाएगा √x। ओके अब यहाँ पे चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ राइट, देखिए इसका मतलब क्या होता है, मैंने आपको समझाया था अगर मैंने ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब a पे पावर 1/2, अगर मैंने ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है a पे पावर 1/3, अगर मान ली n हो राइट, ये बाहर नहीं है अंदर है। ओके तो इसका मतलब होता है ए पे पावर 1/n, तो ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लगाएंगे। तो देखिए हम इस चीज़ को क्या हम इस चीज़ को ऐसा लिख सकते हैं, इस चीज़ को हम ऐसा लिख सकते हैं राइट, और इस चीज़ को ऐसा, पावर आप समझ रहे होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ
राइट। और एक और फार्मूला जो आपने बचपन में पढ़ा होगा, मेरा मतलब कि क्लास 5, 6, 7 में जो भी आपने पढ़ा होगा, ए पे पावर अगर एम हो और नीचे ए पे पावर एन हो, अगर ये बेस बराबर होता है तो ये पावर जाके क्या होता है, घट जाता है। तो सेम वही यहाँ पर हम टेक्निक यूज करेंगे, यहाँ पर क्या होगा, ये जाके घट जाएगा, तो 3 में से 1/2 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 5/2, यानी x पे पावर 5/2। चलिए इधर देखिए, प्लस ये हो गया 3, ये जाके पावर 1 है, तो 1 में से 1/2 घटेगा, राइट। तो ये क्या मिल जाएगा, यही मिल जाएगा, राइट। चलिए अब यहाँ पे देखिए, ये तो ऊपर चला जाएगा सीधे सीधे, क्योंकि इसका मित्र ऊपर नहीं है, तो ऐसा ही ये रह जाएगा। चलिए अब इंटीग्रेशन करिए, आपको क्या पता है इसका इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं, तो एक ऐड होगा तो 5/2 में एक ऐड होगा तो 7/2 मिल जाएगा, और वही चीज़ 7/2 हम नीचे लिखेंगे, राइट। 7/2 हमने ऊपर लिख लिया, और यही 7/2 मैं नीचे भी लिखूंगा, ओके। तो क्यों ना हम इसको यहाँ पे लेके चले आए, यानी और सुंदर सा मैं लिख दूँ 2/7, यानी आप ऐसे समझिए, अगर पी बाई क्यू के रूप में अगर यहाँ मिल रहा तो यहाँ पे क्यू बाई पी कर लीजिएगा, यानी यही चीज़ रहेगा, उल्टा रहेगा। चलिए ये हो गया 3 × यहाँ पे आप एक ऐड करेंगे तो 3/2 होगा, तो 3/2 कहने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर मुझे क्या लिखना है, यहाँ पे मुझे लिखना है 2/3, ओके। चलिए इस पर देखिए, ये हो जाएगा 4x, और यहाँ पे क्या होगा, आपको पता है कि एक ऐड करेंगे तो सीधे सीधे आपको क्या मिलेगा, 1/2, तो 1/2 नीचे 1/2 रहेगा, तो सीधे सीधे आपको 2 मिल गया, अरे यहाँ सॉरी 1/2 होगा तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और एक कांस्टेंट ऐड कर देना है। चलिए ये हो जाएगा आपका 2/7 एक्स पे पावर 7/2, प्लस ये कट जाएगा, राइट, ये कुछ ऐसा हो गया, और एक्स पे पावर 1/2, ओके। मैं कभी अंग्रेजी में बोल रहा हूँ, कभी हिंदी में, कन्फ्यूज मत होइए। चलिए अब आते हैं हम, इसको मैं मिटाऊँ, चलिए मैं मिटा देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। पूरा क्वेश्चन मैं एक एक क्वेश्चन पर डिस्कस करूँगा, जितने भी क्वेश्चन हैं 13 पर, राइट, जो भी हो, क्वेश्चन नंबर 13 कुछ इस तरीके से है, इंटीग्रल एक्स का क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 डी एक्स, ओके। तो देखिए हम कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, तरीका समझ लीजिए, यहाँ पे है क्या x माइनस 1, राइट, तो यहाँ x माइनस 1 दिख तो रहा, लेकिन एक काम करें, अगर यहाँ से हम एक्स स्क्वायर कामन कर लेते हैं तो आपको x माइनस 1 दिख गया, और इसको हम ब्रैकेट कर लेते हैं तो सीधा सीधा ऐसा हो गया, और ये हो गया x माइनस 1, और यहाँ पे हो गया dx, राइट। एक स्टेप और, यहाँ से आप देख सकते हैं कि x माइनस 1 कामन होगा तो x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा x माइनस 1 dx, तो ये चीज कैंसिल कर गया, तो सीधा सीधा आपको क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 मिल गया, और आपको इंटीग्रेशन आता है, राइट। एक्स स्क्वायर का हो जाएगा x पे पावर 3/3, और इसका हो जाएगा x प्लस c, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर, राइट। क्वेश्चन नंबर 14 कुछ ऐसा है, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, आपका दिया हुआ है इंटीग्रल 1 माइनस एक्स रूट एक्स dx, राइट। तो देखिए हम इसे कैसे इंटीग्रेट करेंगे, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई हम कर देंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, अच्छा इसका मतलब आप समझते हैं पावर 1/2, तो मैं डायरेक्ट ऐसा लिख रहा हूँ माइनस, और इसमें जब मल्टीप्लाई होगा तो एक्स इंटू रूट एक्स होगा, आपको पता है एक्स इंटू एक्स का मतलब आप जानते हैं 1/2, पावर एक है, बेस बराबर है, तरीका आपको पता है ए पे पावर एम इंटू ए पे पावर एन हो तो ए पे पावर एम प्लस एन होता है, तो ये एक्स पे पावर 3/2 हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ एक्स पे पावर 3/2 डी एक्स। चलिए इंटीग्रेशन कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा, एक्स पे पावर 3/2 होगा, और यहाँ पे लिखना है 2/3 माइनस, यहाँ पे क्या होगा, एक्स पे पावर 5/2, क्योंकि एक ऐड करेंगे तो 5 होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/5, ओके, हमारा भी निकाल दिया,
अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। ओके, 15 नंबर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, यह भी बहुत ही अच्छा है, इसी के बेस पर है, राइट। 3x² + 2x + 3 dx। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूँ, मान लीजिए लिखते समय मैं थोड़ा गलती से अंक वगैरह मिस्टेक कर दूँ तो उस हिसाब से मैं इंटीग्रेशन करूँगा, तो आप कन्फ्यूज मत होइएगा। चलिए, अब इसका मतलब आप जानते हैं, पावर 1/2 होता है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ 1/2। बस अब आप मल्टीप्लाई करते चले जाइए, देखिए क्या हो जाएगा, 3 × ये पावर 8 होगा, क्योंकि x पे पावर 1/2 × x², ये मल्टीप्लाई करेगा, बेस अगर सेम होता है पावर 8 हो जाता है मल्टीप्लाई के केस में, तो क्या आ जाएगा, x पे पावर 5/2, 2 × 4 और 1 × 5/2। चलिए, इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x पे पावर 3/2, इसका अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × x² = 1/2, और ये हो गया आपका dx। बस अब इंटीग्रेशन आप, अच्छा नीचे दिखाई दे रहा है ना, कट नहीं रहा, चलिए नीचे तो दिखाई दे रहा है, इसीलिए मैं बहुत ही बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि सर थोड़ा बड़ा बड़ा लिखिए। चलिए इंटीग्रेशन कर दीजिए ना, देखिए ध्यान से, ये क्या हो जाएगा, 3 × ये क्या होगा, 1 8 होगा तो भाई 7/2। आप सीधे सीधे इस 2 को ले आके ही ऐड कर दीजिएगा, इसे समझ लीजिएगा, जो भी आए ना नीचे जो हर है ना उसी को ले आके ऐड कर दीजिएगा, आप ऐसे समझ लीजिए। तो इसमें 2 ऐड करेंगे तो 7/2, और यहाँ पर मुझे लिखना है 2/7। चलिए यहाँ पर हो जाएगा क्या, 2 × ये हो जाएगा x² = 5/2, नीचे x² क्या आ जाएगा, 5/2, और यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, 2/3, ठीक उल्टा। चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 × ये आ जाएगा क्या, x³ = 3/2, और यहाँ पर क्या लिखूँगा मैं, 2/3, और एक मुझे कांस्टेंट ऐड करना है। ओके, तो चलिए अब डायरेक्ट रिजल्ट लिखिए, हो सकता है ज़्यादा नीचे एक स्टेप चल जाएगा। चलिए रिजल्ट लिखना है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6/7 × x² = 7/2 प्लस ये हो जाएगा 4/3 × x² = 5/2, और ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2x³ = 3/2 + 6। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। चलिए अब हम और आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, करना कुछ नहीं है। तो आप बोलोगे सर आप कर क्यों रहे हो, तो इंटीग्रेशन करना है, जो बोला है आपको वही करना है, उसके अलावा आपको कोई काम नहीं करना है। चलिए इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2x² = 1 है ना, तो 2 हो जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा, 3 cos x का हो जाएगा, sin x हो जाएगा, e^x का e^x हो जाएगा, हो गया। एक लाइन और आप लिख लीजिएगा, राइट, काट दिया हुआ है हमने। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर, इसमें भी आपको करना कुछ नहीं है, बस डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देना है, 2x² - 3 sin x प्लस। अच्छा, ये सब चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ ना, हो सकता है कि इस क्वेश्चन को देख के कोई बच्चा लगा ले बट इस क्वेश्चन को ना लगा पाए, तो इसके लिए मैं आपको बता दूँ। अच्छा, क्यों नहीं लगा पाएगा, कहेगा अच्छा ठीक है सर ने ऐसे कर दिया, इसका कर दिया, लेकिन यहाँ पर यार करड़ी वगैरह है, देख कर डर जाएगा बेचारा, लेकिन इतना इतना करड़ी वाला क्वेश्चन तो कर ही लिए हो आप। चलिए ये क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x³ = 3/3 sin का हो जाएगा, cos हो जाएगा प्लस, क्योंकि sin का cos होगा तो माइनस में होगा, तो इससे मल्टीप्लाई कर लेगा माइनस, राइट, तो हो जाएगा cos x प्लस, और इसका आप जानते हैं x² = 1/2 होता है, इसका मतलब x² = 1/2, तो हो जाएगा 5 × x² = 1 ऐड करेंगे तो, क्योंकि समझ में आ रहा है ना इसका मतलब, मैं इसका मतलब ये होता है, तो 1 ऐड करेंगे तो 3/2, और यहाँ पे मुझे लिखना है क्या, 2/3, अरे कांस्टेंट, बस लिख लीजिए अच्छे से। चलिए क्वेश्चन नंबर हो गया, क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, क्वेश्चन नंबर 18, राइट, मैं इसको क्लीन कर दूँ।
चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कुछ इस तरीके से है, सेक एक्स और सेक एक्स प्लस टेन एक्स। बस तो पहले हम एक काम करते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पहले देख लीजिए और देखने के बाद आप यहाँ पे सोचिए कि इसका अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स, और इसका मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स होगा डी एक्स। और सेक स्क्वायर एक्स का अगर आप इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है, टेन एक्स होता है, और सेक एक्स इंटू टेन एक्स का सेक एक्स होता है। बस काम खत्म, एक कांस्टेंट ऐड कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19, इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ओके तो चलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे समझिए, इसको आप लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, और इसको आप लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स। कैसे लिख सकते हैं ये तरीका आपको पता है राइट, नीचे जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सीधे सीधे आप समझ लीजिएगा। ये चला जाएगा ऊपर तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और ये मल्टीप्लाई करेगा तो कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, और आपको पता है ये होता है टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। टेन स्क्वायर का कोई इंटीग्रेशन नहीं, अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, टेन स्क्वायर का नहीं होता है। देखिए जितने भी स्क्वायर वाला है जैसे साइन स्क्वायर हो गया, कॉस स्क्वायर हो गया, टेन स्क्वायर हो गया राइट, सेक स्क्वायर स्क्वायर का, सेक स्क्वायर का तो होता है ओके, कॉसेक स्क्वायर का होता है, फिर अगर हम कहें कि कॉट स्क्वायर हो गया राइट, तो इन सब का सामान्य रूप में जो है ना कि इंटीग्रेशन वगैरह नहीं होता है राइट। फिर टेन एक्स का हो गया, सेक एक्स का हो गया राइट, सामान्य रूप में जो कुछ फंक्शन है उनका जो इंटीग्रेशन नहीं होता, इंटीग्रेशन होता है बट आगे उसके लिए हम कुछ अलग मेथड से उसको निकालेंगे। तो यहाँ पर जो है ना टेन स्क्वायर है, तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम बदल देंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स। अब सेक स्क्वायर का आपको पता है क्या होता है, सेक स्क्वायर का टेन एक्स होता है और माइनस वन का एक्स होता है, और एक कांस्टेंट मुझे ऐड करना है राइट। चलिए कुछ और आगे हम क्वेश्चन पर बढ़ते हैं राइट। क्वेश्चन नंबर 20, मैं हर एक क्वेश्चन पर डिस्कस करूंगा जैसा कि मैंने कहा था, और धीरे धीरे सभी क्वेश्चन ख़त्म होते जा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 ओके, क्वेश्चन नंबर 20 है इंटीग्रल 2 माइनस 3 sin x डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स ओके। चलिए बस पहले तो आप इसको अलग अलग करिए, क्योंकि हमें किसी ऐसे फंक्शन में बदलना होता है जिसका हमें इंटीग्रेशन पता हो राइट। इसको आप लिख सकते हैं 2 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, इसको आप लिख सकते हैं 3 बाई साइन एक्स बट्टा कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्लियर हुई बात, इसको आप लिख सकते हैं क्या 2 sec स्क्वायर एक्स माइनस 3। अच्छा साइन और कॉस मिलके हो गया आपका 10, और एक नीचे कॉस बचे क्योंकि यहाँ पे कॉस दो बार है, तो एक बार साइन कॉस मिलके 10 हो गया और एक नीचे कॉस बच गया तो ऊपर कर देंगे, तो हो जाएगा सेक एक्स डी एक्स। बस आपको इंटीग्रेशन पता है, सेक स्क्वायर का होता है 10x माइनस 3, ये हो गया सेक एक्स राइट, इसका इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स, और एक कॉन्स्टेंट एड कर देना है ओके। चलिए कुछ और आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर कितने क्वेश्चन हैं, 21 और 22, दो ही और हैं इसमें राइट। चलिए दो ही क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, और कहीं से अगर मैंने इंटीग्रेशन वगैरह में अगर मैंने थोड़ा बहुत गड़बड़ किया होगा तो उसको आप निगलेक्ट कर दीजिएगा, कॉन्सेप्ट समझिए आप केवल। चलिए दो क्वेश्चन और बचे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 21 मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि इसका इंटीग्रेशन करना है, और ये क्वेश्चन आपने अभी जस्ट कौन से क्वेश्चन में देखा, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 10 के जैसा है, इसमें स्क्वायर नहीं है राइट, तो इसमें आपको ट्रिक लगाना है। लेकिन क्वेश्चन नंबर जो है मैं 22 आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर जो है 22 मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से आप क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहे कि
डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल ये दिया हुआ है क्या, 4x का क्यूब माइनस 3 बाई एक्स पे पावर 4, और यहाँ पर दिया हुआ जिसमें एफ ऑफ टू इक्वल जीरो है, एफ ऑफ टू इक्वल जीरो है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है, वो फंक्शन आपको निकालना है, राइट। तो देखिए कि आपको पता है कि समाकलन और अवकलन एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, राइट। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि यदि आपको कोई फंक्शन दिया हो y इक्वल एफ ऑफ एक्स, तो अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं इस फंक्शन को, तो मान लीजिए कि आपको ये मिल गया है एफ ऑफ एक्स कैपिटल वाला, राइट। तो अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, राइट, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, यानी इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो आपको फिर से ये फंक्शन मिल जाएगा, राइट। जैसा कि मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको बताया था, राइट, फर्स्ट वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आपको समझ में बिल्कुल ही आ गया होगा, राइट। इसको अगर आप इंटीग्रेट कर देते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो आपको सीधा सीधा ये फंक्शन मिल जाएगा, राइट। ऐसा करने का मतलब कि यहाँ पर आ गया ये एफ ऑफ एक्स, और इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं जो भी हो। तो सीधे सीधे वही चीज़ है यहाँ पे इस क्वेश्चन में, राइट। तो देखिए हम क्या करते हैं कि इसको इंटीग्रेट कर देते हैं सीधा सीधा, डी बाई डी एक्स ऑफ, तो ये क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स ओके डी एक्स, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4x का क्यूब माइनस, इसको हम ऊपर कर देते हैं, ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो ये आपका मिल गया एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पर ये चीज़ आपका क्या आ जाएगा, 4x पे पावर 4 बाई 4 माइनस 3x पे पावर माइनस 3 बाई माइनस 3, और एक कांस्टेंट ऐड करना है, ओके। सो ये कैंसिल कर गया, एक्स पे पावर 4 प्लस हो जाएगा माइनस माइनस मिलके, और इसको आप नीचे कर दीजिए सीधे सीधे। चलिए अब हम इसको मिटा देते हैं, और यहाँ पर हम लिखते हैं, चलिए अब एक्चुअली दिया हुआ है कि एफ ऑफ टू इक्वल जीरो, राइट। ये चीज़ आपका दिया हुआ है कि एफ ऑफ टू इक्वल जीरो, तो यहाँ पे टू पुट कर दीजिए, राइट। तो एफ ऑफ टू मीन्स कि यहाँ पे देखिए, एफ ऑफ टू मीन्स कि यहाँ, सॉरी, यहाँ पे आप टू पुट करेंगे, राइट। तो टू हर जगह होगा और इसकी वैल्यू क्या है, जीरो। सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, इसलिए 1/2 पे पावर क्यू प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो देखिए इसको आप ब्रैकेट कर लीजिए, यहाँ पर आ जाएगा 16 प्लस 1/8 प्लस सी 16/128 और 129 हो जाएगा। सो 129/8 प्लस सी बराबर जीरो, तो सी बराबर क्या आ गया, माइनस 129/8, राइट। तो वो फंक्शन हमें निकालना है ना, तो सी की वैल्यू आप यहाँ पे ले आके पुट कर दीजिए, इसलिए जो फंक्शन है हमारा वो क्या आ जाएगा, राइट, जगह नहीं है इसलिए हम यहाँ लिख रहे हैं, फंक्शन हमारा आ जाएगा एक्स पे पावर 4 प्लस 1/x का क्यू माइनस सी के जगह पे वैल्यू पुट हो जाएगा 129/8। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें जो भी क्वेश्चन था जो मैंने आपको समझाया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और यदि आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो जैसा कि मैंने कहा कि उसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट